क्या कह रही है, नागला लो रही है? हाँ, क्या ले रही हो? चॉकलेट्स, हिमालयन चॉकलेट। हिमालयन क्या बना दिया ये? क्या मतलब रोड ही है ये? प्रॉपर रोड है यार, भगा रहे हैं इसमें गाड़ी। पत्थर गिर रहा है, ओ जल्दी चलो, ओ पत्थर भाई लग गया यार, वो कितना बड़ा पत्थर गिरा है, पक्का पत्थर गिरा है, पक्का पत्थर गिरा है, शीशे शीशे सब टूटे हुए हैं। तो आने है ना, तो विद इन 2 या मैक्सिमम 3 साल में ये कर लो रूट, वरना ये रूट ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ आवर स्पीडी ट्रिप। और भाई कल क्या हुआ ना, कल इतनी नींद आ रही थी और हम सोच के गए थे कि हमें पेस्ट लेके आना है, और हम पेस्ट ही भूल गए। अब हमारा पेस्ट नहीं है करने के लिए। टाइम क्या हो रहा था? 9 बजे थे। कल गुड मॉर्निंग बोला सबको, गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, अभी अभी क्या टाइम हो रहा था? अभी अभी तो मेरे ख्याल से 6:30 हो रहे हैं। 6:30 ना, नहीं 7 बजे। 7 5 बजे से उठे हुए हैं। 7 बज गए हैं, 5 बजे, 5:30 जब हम उठ गए थे, क्योंकि कल हम सो भी 9:30 बजे गए थे रात को। तो अभी देखो क्या मस्त वेदर हो रहा है, मतलब सुबह सुबह उठ के है ना, ठंड हो रही है भाई। एक्सपेक्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था हमने ठंड, तभी जैकेट लाए थे, लेकिन भाई ठंड हो रही है मनाली में, और आगे चल के मज़ा आने वाला है। तो अभी सोचोगे हम सुबह सुबह क्या कर रहे हैं मनाली की रोड पे, सोच रहे हो ना? हालत थोड़ी ख़राब है, बट कोई नहीं। तो अभी देखो हम लोग यहाँ से ऐसे चलते चलते जाएंगे, हमारा होटल ना पीछे है अंदर, इस बार होटल थोड़ा अंदर की तरफ मिला है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर वॉक करके मॉल रोड है, वहाँ तक जा रहे हैं, या तो पेस लेके आएंगे और चाय वाय पी के आएंगे। उसके बाद हमारा टारगेट 8 बजे तक निकलने का, 7 ऑलरेडी बज गए, क्योंकि आज काजा स्केल करना है। तो देखते हैं, तो चलो चलते हैं, पेस लेके आते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद घर पहुँचेंगे, तैयार होंगे, फिर निकलेंगे। हाँ, डायमॉक्स भी लेने, तो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है और बहुत अमेजिंग होने वाला है, वी आर एक्साइटेड। तो सी यू। तो गाइज हम लोग हो गए रेडी, और ये रूम था, हमने दिखाया था पिछली बार, पिछली वीडियो में, और छोटा सा रूम लेकिन बहुत अमेजिंग रूम। और ये देखो, ये मेकअप चल रहा है, और भाई व्यू देखो आप, ये देखो। इस रूम को लेने का ना थोड़ा रीज़न ये था, व्यू मतलब कर्टन हटाते ही क्या व्यू है। तो रेडी हो चुके हैं, टाइम यार कितना हो गया, टाइम पता नहीं कितना हो गया, अभी दोनों फ़ोन भी देते उधर वो बन, 8:05 हो रहे हैं, 8 बजे के टारगेट था, 7 का था, बट 8 तो हमें पता तो हो जाएंगे। तो निकलते हैं अब, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे भाई, क्योंकि अटल टनल क्रॉस करने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। तो लेट्स गो। तो भाई ये अपनी गाड़ी देखो, ये होटल मेडोज यहाँ पे था, यहाँ से आगे जाके हम लोग उतरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये होटल से हम रुके थे, और भाई गाड़ी की हालत देखो। हाँ जी, रेडी चले, रेडी फॉर द फन। देखो कल हम लोग सिर्फ मनाली आए हैं, तो हमारी गाड़ी की हालत देखो क्या हो रही है भाई, बिल्कुल ना, ये मैंने साफ करी थी खुद पर्सनली अपने हाथों से। बट भाई पहाड़ों पे आके यही गाड़ी वाले लगते हो भाई, वेदर भी बहुत अमेजिंग है। तो गाड़ी वाड़ी रेडी हो गई है, मेरे को गोप्रो का सेटअप करना था, मैंने गोप्रो सेटअप कर लिया यहाँ पे, अब आगे के जो वो बनेंगे बढ़िया बनेंगे। तो भाई ये आ गया सामने मॉल रोड, और कल रात को हमने बहुत अच्छे से खाया, मज़ा आ गया। अब इस मद्रास कैफे खाना है क्या सर? मद्रास कैफे में खाने का सोच रहे हैं, लेकिन पार्किंग देखते हैं कहाँ पर। तो भाई सोचे था हम कि वो क्या खाएंगे, ब्रेड ऑमलेट खाएंगे, लेकिन हमें मिल गया डोसा मद्रास कैफे। ये ब्रेड ऑमलेट और पराठे ही खाने हैं ना, तो आज लपेटते हैं ये, उसके बाद 3-4 दिन तक सात्विक खाना खाएंगे, दाल रोटी। तो वैसे निकल गए हैं मनाली से यार, 9:30 बज गए, पता है 9:30 बज गए हैं, मतलब वो ये कि हमें मिल गया मद्रास कैफे, तो हमने सोचा कि लपेट लेते हैं, 4 दिन तो हमें दाल रोटी खानी पड़ेगी, विच इज़ ओके, उसका कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाया, तो 9:30 बज गए हैं भाई, आज का दिन ना बहुत लंबा होने वाला है, कम से कम मेरे को लगता है ना 10-11 घंटे लगेंगे है ना, 10-11 घंटे लगेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई पेट्रोल वेट्रोल डलवाने की, अब सीधा खींचते हैं भाई, अब सीधा एक बार रुकेंगे अटल टनल के बाहर, और वहाँ थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे, थोड़ा 5-7 मिनट रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। भाई ये देखो मनाली के रोड्स ऐसे हो रखे हैं, लेफ्ट में देखो सारा रोड टूटा ही हुआ है, देखो है ना, टूटा हुआ है, थोड़ा
ऐसे निकलना पड़ता है। तो चलो भाई खींचते हैं। और वेदर तो एक नंबर हो रखा है भाई यहाँ का। भाई जब ये फ्लड आए थे ना तो ये वाला रास्ता पूरा ख़राब हो गया था। ये लेफ्ट के सारे जो पत्थर हैं सारे रोड पे आ गए थे, तो ये रास्ता था जो ख़राब हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। और अब तो खैर सही है, अब तो क्लीन कर दिया सारे। ये वाले तो दीवारें भी टूटी हुई हैं और ये सब पत्थर पूरे रोड पर आ गए थे। अरे रोड तो ख़राब ही है बट आने जाने लायक हो चुका है। सॉरी गाइज, पीछे यहाँ ये है प्रॉपर सोलंग वैली, तो लेफ्ट में होता है। सारा खाली पड़ा, चेक पोस्ट आ गया भाई। ये देखो ये अटल टनल वाला रास्ता है ना, यहाँ भी रोड खराब हो गया। ये रोड बिल्कुल सही था, मतलब अटल टनल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मतलब आती थी। अब सिर्फ एक मतलब ट्रक निकल रहा है तो दूसरी गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, तो रुकना पड़ा। सोचो ये वाला जो ना, ये तो हमने इस बार देखा है, पिछली बार नहीं था। तो भाई हम लोग पहुंच रहे हैं एक बार फिर से अटल टनल के अंदर। और देखो एक चीज देखना, यहाँ देखो बारिश हो रही है ना, हम डैम श्योर 99% श्योर कि अटल टनल क्रॉस करने के बाद ना बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तो वो मैं आपको जब पहुंच जाएंगे तभी दिखाएंगे, अंदर का तो आपने बहुत बार देखा होगा। तो क्रॉस करके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आई एम सॉरी, मैं गलत था। यहाँ पे बारिश आ ही रही है। ओ भाई तेरी भैंस की, भाई ये क्या व्यूज है, यहाँ रुक नहीं सकते, यहाँ से निकालना पड़ेगा। भाई व्यू देखो सामने का, अब यहाँ से देखो ये है, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो ले वाला रास्ता है, पर हमें जाना है राइट काजा की तरफ, तो हम राइट ले लेंगे। तो भाई ये देखो जो राइट वाला रास्ता आ रहा है ना, यहाँ से वो गाड़ी आ रही है। ये रास्ता है रोहतांग जाने के लिए, और जो नीचे रास्ता दिख रहा है ना, नीचे मेरी उंगली का है नीचे, ये वाला ये रास्ता है काजा का। तो अब हम काजा में एंट्री कर रहे हैं। अब देखो रोहतांग और रास्ता देखो कितना डिफरेंट हो गया। तो अब आने वाला है असली एडवेंचर, और यही जगह जहाँ पे हम पिछले बार बाइक से गिर गए थे। हाँ, और हमने ये रोड देख के हम रोने लगे। हाँ मतलब खुशी से रोने लगे ना, लिटरली से रोने लगे। अब ना तीन चार बढ़िया बढ़िया वाटर क्रॉसिंग्स आने वाली हैं, और वो वाटर क्रॉसिंग्स सबसे मेन है। सारा रास्ता ऐसे ही है 150 किलोमीटर तक। सोचो मतलब काजा लोसर के बाद कितना है, लोसर से कितना था काजा, 100 किलोमीटर। तो मतलब लोसर तक 50 किलोमीटर है यार। नहीं ये पूरा रास्ता 100 किलोमीटर का है ऐसा खराब। हाँ तो ये पूरा रास्ता 100 किलोमीटर अराउंड खराब है, और बाटल तक सबसे ज्यादा खराब है। तो वो रास्ता अब हमको बहुत ज्यादा एडवेंचर दिखाएगा। तो वीडियो पे बने रहना, देखना क्या कीचड़ हो रही है खतरनाक वाली। भाई साहब अब आने वाले मजे। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ये बाइक से करा है। पिछली बार हम लोग भाई लेफ्ट जाना राइट जाना, अरे यार राइट ही जाना, इधर इधर कोई रास्ता नहीं है। ट्रक तो इधर से आया है। चलो लेफ्ट, एक बार मैप पे डाल के देख लेना। मैप तो बड़ा चलेगा, ये रास्ता मैप पे नहीं है। भाई ये क्या है, फैन कम करो। भाई क्या नजारे है सामने यार, तुम देख रहे हो। और अभी हमको एक बात पता चली है गाइस की, चंद्रताल में स्नोफॉल हो रही है, फ्रेश स्नोफॉल। भाई तो देखते हैं यार क्या करना है, लेकिन अब सामने के नजारे देख रहे हो, देख रहे हो। अब देखो देखना, इज दिस फॉर रियल, इधर तो मजे ले रही है भीड़। इज दिस फॉर रियल मैन। रास्ते खराब हैं लेकिन नजारे एक नंबर है। भाई हमारे काजा ट्रिप की पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई, तो छोटी सी है। भाई आज की वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो या तो मैं काट काट के बना दूंगा,
पार्क पार्क ही बनाऊंगा यार, यार छोटी बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। आराम आराम से निकालेंगे अपन लोग। मुझे याद आ गया कि मैं उतर जाऊं। हाँ, अब उतरो। अब तो वैसे नहीं उतरोगे वाली। जूते भिगा भिगा के कैसे कैसे गए यार। सही में। उसका भी अलग हो जाए तो आज अलग मिले। हाँ। क्योंकि आज है ठंड। दूसरी वाटर क्रॉसिंग आ रही है, ये देखो I-10 आ रही है राम से निकल के, वो है। ये भी छोटी थी, अभी एक आएगी जिसमें पिछली बार सच में मैं मेरे सारे भगवानों को याद कर लिया था जब बाइक से तुम लोग उतना आराम से उतना आराम से निकल गई। ओए भाई बढ़िया बंदा भाई, रुक गया, हैट्स ऑफ, थैंक यू ब्रो। लग रहा है क्या? चलो चलो चलो। आपको दिख रही नहीं दिख रही, एक मिनट शीशा क्लीन करता हूँ। देखो सामने कितना एलिवेशन है, वो जो थार और बाइक आ रही कैसे चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चढ़ाई है। थोड़ी सी डीप है, देख के करनी पड़ेगी आराम से है। ओए ओए आराम से भाई, आधा टायर कम से कम चला गया होगा अंदर। हाँ। चलो 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 आराम से आराम से। कॉन्कर भाई देखो एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई, ये वाली थोड़ी वो है वैसे करके, और हम छत्रु भी पहुंच गए हैं, छत्रु वाला ब्रिज दिख रहा है। क्या कह रही, मैं नाक लाल हो रही है? हाँ, आज तुम्हारी नहीं हो रही, मेरी लाल हो रही है क्या? तुम्हारी वैसे लाल होती है नाक। गाइस ये है छत्रु, और जब बाटल से आते ना तो ये पड़ेगा लास्ट पॉइंट, इसके बाद तो सीधा वो ही पड़ता है बाटल। इसके बाद तो बीच में तो कुछ पड़ा ही नहीं, सीधा मनाली मतलब वही वाला रास्ता पड़ता है। ब्रेड ऑमलेट कर दो, एक ब्रेड ऑमलेट, एक मैगी, दो चाय। तो यहाँ पे हम लोग, हम पिछली बार आए थे तो वहाँ रुके थे, इस बार हम यहाँ रुके हैं, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। एक मैगी खाएंगे, एक ब्रेड ऑमलेट खाएंगे और दो चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे आगे, फिर हम चाचा चाची ढाबे पे राजमा चावल खाएंगे, फिर मज़ा आएगा। वेदर देख लो ऊपर, बारिश तो हो, इस बार का जो वेदर है ना भाई, इस बार का वेदर अनमैच्ड है। इस बार जो मज़ा आया ना, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। और ऑनेस्टली हम इतना, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठंड होगी, बट यहाँ बहुत ठंड है। देखो जैकेट पहन रखी हमने, टी शर्ट पहन ही निकले थे भाई। हम खा रहे हैं अंडा, ब्रेड ऑमलेट, ये चाय। कैसा है ब्रेड ऑमलेट, कैसा है अंडा? दिल्ली में तो तुम खाती नहीं यार। मैं सच में अंडा नहीं खाती, बट इसमें अंडे जैसा कोई टेस्ट नहीं। अंडे में अंडे का टेस्ट नहीं है तो खा रही है, अंडे में अंडे का स्मेल नहीं है। कुछ अंडे में स्मेल आती ना, तीन और एक नंबर है भाई, ये ट्राई जरूर करना ऑमलेट ब्रेड यहाँ की। तो भाई देखो इसका नाम छत्रु नहीं है, इसका नाम है छतड़ू। तो छतड़ू, हम छतड़ू में इस टाइम। हंस कर रही है भाई,
मजाक चल रहा है यार। तो ओ एक और जिमनी भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में तेरी जिमनी नहीं देखी जितनी यहाँ देख ली। और यार एक्सप्लोरर महिवाल तो नहीं खड़ा था, नहीं लग रहा था है तो। अरे यार क्या था, हाँ इतनी जिमनी मैंने जिंदगी में नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ देख ली। और मुझे नहीं पता था जिमनी के इतने ज़्यादा बाइकर्स साइडलिंग करते हैं। पत्थर था कोई बात नहीं। सैडलिंग हो रही है, सैडलिंग। हाँ तो अब हम लोगों ने मैगी और ये सब खा लिया है, मैगी ब्रेड ऑमलेट और दो चाय। और अब हम सीधा बाटल रुकेंगे वहाँ पे खाएंगे, तो निकलते हैं। और भाई ये देखो लोग कहाँ पे टेंट टेंट में रह रहे हैं, देखो अबे हिल पा रहा है ये, देखो कहाँ टेंट आ रखा। और हमें यहाँ देखा अलग ही है, अलग ही है भाई। भाई इस गाड़ी की हालत देखो, कौन सी गाड़ी है 800, इस गाड़ी की हालत देखो, लेफ्ट से दिखाओ शीशा खोल के। भाई इस गाड़ी की हालत देखो, पत्थर गिरा, पक्का पत्थर गिरा है, इसको पक्का पत्थर गिरा भाई, शीशे वीशे सब टूटे हुए हैं। बहुत बड़ा पत्थर गिरा था इसको। तो भाई छतरू से निकल गए थे हम लोग, और अभी हम लोग लुकेंगे बाटल में। और भाई रास्ता ना वैसे ही है। और एक चीज और, जो हम लोग बाइक से आए थे ना उस टाइम पे, जो वाटर क्रॉसिंग हमें खतरनाक वाली लगी थी वो इस बार पता ही नहीं चली। मुझे तो लगता है कि इस बार ना वाटर क्रॉसिंग है ही नहीं, तो जो हमने करा है वो एक्सट्रीम वाला था। तो अब ईजी हो गया है, अब सारे रोड ऐसे ही मिलेंगे, मतलब सीधे सीधे रोड बने हुए नहीं है, टारमैक नहीं मिलेगा, लेकिन रोड्स ऐसी हैं। और बाटल के बाद, तो बाटल के बाद भी रास्ते आप ख़राब नहीं बोल सकते। तो बस चलते हैं, अब देखते हैं, 1:30 बज रहा है और बाटल देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। बस यही है, 1:30 बज गया यार, अभी देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। वाटर क्रॉसिंग आ गए छोटी सी, चलो भाई। जो जितने भी वो आते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे वीडियोस बनाने, व्लॉगर्स, पता कैसे शॉट लेते हैं। ओ भाई पत्थर गिर रहा है यार, ओ जल्दी चलो, ओ पत्थर भाई लग गया यार, ओ कितना बड़ा पत्थर गिरा है भाई, बच गए और बच गए, ऐसे वाले शॉट लेते हैं तब उनकी वीडियोस पे व्यूज आते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ, वैसे देखो गिरे हुए हैं पत्थर, ये देखो ये रहा छोटा सा, लेकिन ऐसा नहीं है जितना लोग हाइप बनाए थे ना, ओ भाई पत्थर गिर रहा है और भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से, भाई हालत खराब हो जाएगी, गाड़ी में लग के गया पत्थर। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो आराम से जा रहे लोग। यार ये वाला जो पुल है ना, उस टाइम ये वाला पुल इतना स्टीप था कि इसे वो करने में ना बहुत ज्यादा वो लगता था, क्या लगता था एफर्ट्स। ये भी इन्होंने इजी कर दिया यार, ये भी बहुत इजी कर दिया है। वही जगह देखो यार, जगह देखो भाई, एक नंबर जगह यार। तो भाई 2 साल पहले जब हम लोग आए थे ना, ये रोड बिल्कुल खाली था, यहाँ कुछ नहीं था, मतलब वही जो लोग घूमने आ रहे वही थे। अभी क्या है ना, यहाँ का जो इस वाले एरिया का कॉन्ट्रैक्ट BRO को मिल गया है शायद, जहाँ तक मैंने सुना है। और भाई कंस्ट्रक्शन दिख रही है होते हुए, मशीनें दिख रही है जो पिछली बार नहीं दिखी थी। पिछली बार कौन सी 21 में हम लोग आए थे 3 साल पहले, ठीक है। उस टाइम पे नहीं, रोड का मतलब ये लगा लो
कि पत्थर पत्थर पड़े हुए रोड से हम चल रहे थे, वीडियो देखी होगी, पत्थर भी अब तो हटा दिए हैं। हाँ, पत्थर भी नहीं है, पत्थर वाली रोड हमें मिली ही नहीं, पूरे रोड पे मिट्टी बिछा दी है इन्होंने। और मैं बता रहा हूँ, 2 साल मैक्सिमम, 2 साल हम लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, ये रोड मक्खन बन जाएंगे और ये वाले जो एडवेंचर है पूरा खत्म हो जाएगा। उसका फायदा भी है कि हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे लोग, लेकिन उसका नुकसान भी है कि एडवेंचर खत्म हो जाएगा। तो भाई देखो क्या है, ये एडवेंचर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये स्लोप आ गया। हाँ है ना, तो ये सारा रोड बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, भगाते जाओ भगाते जाओ और सीधा काजा पहुंचो, बटाल पहुंचो, बटाल बटाल पहुंचो बटाल, और वहां जाके खाना वाना खाओ। तो बस मैं बताना एक्चुअली यही चाह रहा था कि भाई अगर आपको आना है ना, तो विद इन 2 या मैक्सिमम 3 साल में ये कर लो रूट, वरना ये रूट ना मक्खन रोड वाला हो जाएगा। हाँ, सीनिक हो जाएगा एक नंबर, लेकिन सीनिक तो है ही, सीनिक तो एक लेकिन अभी क्या होता है ना कि रोड का जो स्ट्रगल होता है, तो रोड के स्ट्रगल की वजह से लोग ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, और एक्चुअली में फैक्ट है, बट ये एक्सपीरियंस होता है। वो देखो वो वाला पहाड़ देखो, और बादल देखो यार। अच्छा वो ये वाला, ये है वो, ये है, हाँ वो ये है, देखो स्लोप देखो इसका। भाई ये देखो रील बनाने के लिए मैंने उसे भेज दिया, अब वो वहां तक जाएगी रील बनाएगी। चलो भाई चलते हैं, अब देखो कितना कितना तगड़ा स्लोप है, तुम्हें दिख रहा होगा कि वो मनमीत कहाँ खड़ी है। बाय, कैसी बनी है पता नहीं, देखो भाई ये रोड भी देखो क्या बना दिया है, क्या मतलब रोड ही है ये, प्रॉपर रोड है यार, भगा रहे हैं इस पे गाड़ी। बस ये है कि टारमैक नहीं है लेकिन रोड है, और आराम से तुम चला सकते हो, देखना क्या भगा सकते हैं यहाँ पे। और उस टाइम सही कर दिया ये रोड, इतना बढ़िया कर दिया ना रोड। लास्ट टाइम अगर आप हमारी लास्ट टाइम की वीडियो देखोगे तो यही वाला पैच है, ये जो ब्रिज हमने अभी क्रॉस किया है ना, इससे पहले क्योंकि हम उस तरफ से आ रहे थे, मैं लिटरली रो पड़ी थी यहाँ पे आके, मेरे इतने घुटनों में दर्द होने लगा था, और अब देखो रोड क्या मस्त कर दिया। यो यो भाई सामने देखो बादल कितने बुरी तरीके से आ रहे हैं, भरे पड़े हैं भाई बादल, भरे पड़े हैं यार। ओ तेरी, Is this for real man? एक नंबर यार, एक नंबर। वाटर आ गया भाई, कैसे मैं देख ही नहीं रहा। नहीं ये बीच में जो इतनी रोड्स बनी है ना, 80-100 पे भगाई है तुमने गाड़ी यार, 5वें गियर पे मैंने पहुंचा दी सोचो, और वाटर आ गया यार 3 बजे वाटर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वाटर भी कितना चेंज हो गया, वाटर भी कितना चेंज हो गया यार। चाचा चाची भी रुकेंगे, चाचा चाची ढाबा स्टिल द सेम। क्या ले रही हो? चॉकलेट, हिमालयन चॉकलेट है। हाँ ये हिमालयन पिंक सॉल्ट चॉकलेट है। सेमी है, 1 रुपए की। तो भाई राजमा चावल आ गए हैं, राजमा चावल खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आगे देखेंगे। और बगल में जाने चल रहे हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि मतलब
ब्रेड आ जाएगा, जल्दी खा के बाहर वीडियो बना।